तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोनू जोशी जेआर, और हर वेडनेसडे को मैंने आपको बताया था कि मैं रसल स्क्वायर के बैक स्टेज से ऐसे राज आपको बताऊंगा जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। और रसल स्क्वायर में किस प्रकार के रेसलर्स हैं, क्या क्या होता है यहाँ पे, यह सारी चीजों की जानकारी मैंने आपको कहा था मैं हर वेडनेसडे को दूंगा, लेकिन कल मैं आपको दे नहीं पाया था दोस्तों। किसी कारणवश कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गया था जिस वजह से मैं नहीं दे पाया। मैंने आपको कहा था कि मैं हर वेडनेसडे को रसल स्क्वायर की बैक स्टेज मिस्ट्री आपके सामने लाऊंगा, वहाँ के रेसलर्स के बीच क्या चलता है आपको बताऊंगा। तो रसल स्क्वायर के दो रेसलर्स के बीच एक शानदार मुकाबला जल्द होने वाला है दोस्तों, और मैंने सोचा क्यों ना उन्हें कॉल किया जाए। यह रेसलर है दोस्तों वेनमस और केविन मलिक। वेनमस और केविन मलिक के बीच जो यह मैच हो रहा है, इसमें वेनमस जो है वह एक हील सुपरस्टार है और वह रसल स्क्वायर के खतरनाक रेसलर के रूप में आजकल उभर रहे हैं। वहीं केविन मलिक की बात की जाए तो वह फेस सुपरस्टार हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों से बातचीत कर लिया जाए ताकि मैच से पहले हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए कि आखिर इनके मैच में क्या होने वाला है। मैंने वेनमस को बहुत कॉल लगाने की कोशिश की, मैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फोन नहीं उठा पा रहे थे। तो क्यों ना उन्हें अभी तुरंत फोन कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम भी दिया था और लगता है टाइम सही हो रहा है। घंटी गई। वेनमस कैसे हैं आप? मैं हूं मोनू जोशी जेआर, रसल स्क्वायर बैक स्टेज इन्वेस्टिगेटर। आप कैसे हैं? जैसा कि मैं हमेशा रहता हूं, खतरनाक, गुस्सैल और मौके की तलाश में। आप केविन के साथ मैच लड़ने वाले हैं, क्या यह पर्सनली है या आपकी दुश्मनी काफी पहले से चल रही है? फिलहाल तो उस केविन मलिक से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट हाँ कुछ टाइम से वो रेसलर स्क्वायर के कुछ छोटे मोटे रेसलर्स को हरा कर खुद को बेस्ट मानने लगा है। वो ये भूल गया है कि रेसलर स्क्वायर लॉकर रूम के अंदर एक नया नाम शामिल हुआ है, वेनमस का, और वो ये नहीं जानता कि वेनमस ही रेसलर स्क्वायर का बेस्ट रेसलर है। बट हाँ बहुत ही जल्दी मैं उसे ये बता दूंगा, जब उसका रिंग में मुझसे सामना होगा तब उसे इस बात का पता चल ही जाएगा कि कौन बेस्ट है, केविन मलिक या वेनमस। तीसरा प्रश्न आपसे करूंगा, आपको सिर्फ मैच से मतलब है या उनका कैरियर एंड करने का आपका इरादा है? ये क्वेश्चन तुम जाके केविन मलिक से पूछो कि वो क्या चाहता है, आराम से हार जाना या अपना करियर खत्म करवाना। और हाँ, उसको ये भी बोल देना कि अभी भी उसके पास एक ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो मैच वाले दिन सबके सामने मेरे आके सरेंडर कर दे और ये मान ले कि रसल स्क्वायर के अंदर बेस्ट रेसलर केविन मलिक नहीं बल्कि वेनमस है। अगर वो ऐसा करता है तो हाँ एक बार के लिए मैं उसका करियर ख़त्म होने से बचा सकता हूँ, बट अगर उसने ऐसा नहीं किया तो खमंडी केविन मलिक, मैच वाले दिन रिंग के अंदर मैं तेरा घमंड और हड्डियां दोनों एक साथ तोड़ दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच वेनमस मुझसे बात करने के लिए, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। तो फ्रेंड्स, वेनमस से हमने बात कर ली है, चलिए केविन मलिक से भी बात कर लेते हैं जो कि एक फेस सुपरस्टार है रसल स्क्वायर के। तो मैं उन्हें डायरेक्ट यहीं से वीडियो कॉल कर लेता हूं। हेलो केविन मलिक जी, मैं हूं मोनू जोशी जेआर, रसल स्क्वायर बैक स्टेज इन्वेस्टिगेटर। कैसे हैं आप? कुछ समय पहले ही मेरी वेनमस से बात हो चुकी है, वो काफी गुस्से में लगे मुझे। वैसे आपके बीच जो है मैच होने वाला है, इस मैच में क्या होगा? वैसे वेनमस का मैंने पहले मैच देखा है, उनका एक्चुअली वो डेब्यू मैच था, उनका अभी तक एक ही मैच हुआ है, और रही बात डेब्यू की, तो देयर इज नॉट सो मेनी गाइस हु कैन मेक सच अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन ऑडियंस और ऑन मी by the first match, और Venomous ने वो मैच में डिलीवर किया था एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस बाई हिम। और रही बात कि हमारे मैच में क्या होगा, मैच में वही होगा जो Venomous के साथ उनके डेब्यू मैच में हुआ था, उनकी हार। थैंक यू वेरी मच केविन जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जल्द मिलेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू अगेन। थैंक यू सो मच। तो
फ्रेंड्स, हमने दोनों रेसलर्स के साथ बातचीत की और दोनों से बातचीत करके देख लिया है कि कौन रेसलर किस प्रकार का है। अब देखना होगा कि इनके मैच में क्या होता है। मैं तो यह मैच मिस नहीं करूंगा, आप भी मिस मत कीजिएगा। यह मैच आपको देखने को मिलेगा रेसल स्क्वायर पर। तो जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।